सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नया वीडियो। आप सभी लोग देख रहे हैं पोकेमॉन जानी सर, मैं हूं आपका होस्ट तुषारैच। इस वीडियो पर बहुत सारे अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए प्लीज हमारा चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपडेट की तरफ। सबसे पहले अपडेट जुड़ी है एपिसोड 49 के साथ। कहारू अपना ईवी को पकाने वाला है इस एपिसोड पर, और ये एपिसोड एयर होने वाला है 11 दिसंबर को। आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे चैनल पर लाइव। और ये एपिसोड पर ईवी को पकाने वाले कहारू, इसके रिगार्डिंग एक पोस्टर लीक हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हो ईवी है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर है जो कुछ मिनट से चल रहा है। और इसका जो स्टोरी होगा वो बहुत ही आसान होगा, एक सिंपल स्टोरी होने वाला है यहाँ पर। एंड जो कहारू है वो ईवी को ईवी के साथ मिलेगा और कारो उस ईवी को पकड़ लेगा, जैसे कि हर एक पोके काले पकड़ते हैं उस तरह से। तो नेक्स्ट अपडेट आपको देखना चाहते हुए कुछ लीक, जहाँ पर एक कुछ पोकेमॉन को दिखाई दे रहे, एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जो है रोकेडी एंड चार्जर्ड, उसके साथ साथ और एक लिखा है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रोकेडी, चार्जर्ड एंड पोनीटा। अब इस तीनों पोकेमॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रोकेडी जो कि पकड़ने वाले है, चार्जर्ड जो कि गो पकड़ने वाले है अपना जो शर्मेंडर है उसके रूप पर, एंड जो पोनीटा वो पकड़ने वाले है कहारू। अब ये जो रोकेडी है वो अगर ऐश पकड़ते हैं तो ये इवॉल्व हो जाएगा कॉबी नाइट पर, और बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट कर सकते हो। और डार्को बिस्कुट भी पकड़ने वाले है ऐश, उसके साथ ही साथ ऐश एंड गो के बीच में आपस में बैटल होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफिशियल बैटल तो नहीं होगा, बट कुछ ट्रेनिंग करने के लिए बैटल जरूर होगा। एक हार्डली बैटल देखने के लिए मिलेगा ऐश का लुकारियो वर्सेस गो का सिनरेस। अभी ये बैटल देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्दी ये बैटल होने वाला है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी एपिसोड का टाइटल रिलीज नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी रिगार्डिंग रूमर्स आ रहा है कि इस बार गो हो सकता है कि ऐश के साथ जीत भी जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चले बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जनरेशन 9 के बारे में। आप सही सुने, जनरेशन 9 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। आपको देखने के लिए मिलेगा 3 स्टार्टर पोकेमॉन, और उसके साथ ही साथ उस पोकेमॉन का पावर एबिलिटी एंड सारे के सारे चीज। तो वीडियो को आपको देखना है अंत तक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नाम क्या होने वाला है? इसका नाम होने वाला है पोकेमॉन इन्फिनिट लाइट। अब ये जो नाम है ये तो पहला नाम है, अब दूसरा भी नाम देखूंगा, बट उससे पहले प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि ये नाम आपको कैसा लगा। और इसका जो क्रेडिट है वो भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है सेंटर डार्क। अब ये भी बहुत ही अच्छा है, ये नाम बहुत ही क्रिटिकल है और इसलिए आप पढ़ लो। एंड यहाँ पर लिखा है सिलेरास्टिक डार्क। अब बहुत ही अच्छा नाम है और होगा बहुत ही अच्छा होगा, बट एनिमी के साथ इसका नाम का कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं स्टार्टर पोकेमॉन की तरफ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये जो एक देखेंगे ग्रास टाइप, एक पोकेमॉन देखेंगे जो है फायर टाइप, और एक पोकेमॉन देखेंगे जो है वाटर टाइप। तो आपको भी पता ना है कि कौन से पोकेमॉन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और क्या उसका जो डिज़ाइन है वो उसका टाइप के साथ मैच करता है कि नहीं, यानी टाइप के साथ उसका डिज़ाइन मैच करता है कि नहीं, वो भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पोकेमॉन जो है ग्रास टाइप पोकेमॉन। सबसे पहले ग्रास टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं लिफन, और ये जो पोकेमॉन है ये है ग्रास टाइप पोकेमॉन, और इसका लुक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका नाम है लिफनी और ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, ग्रास टाइप है, बट ये पर जो इसका डिज़ाइन है ये मुझे पसंद नहीं आया है। मुझे लगता है ये जो डंक की डिज़ाइन है यानी गधे, और ये गधा अगर ग्राउंड टाइप होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट इसको ग्रास टाइप बना दिया है। इसका जो एबिलिटी है वो है मैजिकल ग्राउंड। अब इसका मैजिकल ग्राउंड है, इसका एबिलिटी है मैजिकल ग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शाइनी फॉर्म, उसके साथ ही साथ इसका एसपी है 45, अटैक है 29 यानी अटैक बहुत ही कम है, उसके बाद डिफेंस है 59, स्पेशल अटैक है 65, स्पेशल डिफेंस है 65 एंड स्पीड है 55। तो यहाँ पर इसका अटैक वो बहुत ही कम है, बट स्पेशल अटैक बहुत ही अच्छा है यानी, और इसके बाद इसके स्पीड भी बहुत ही अच्छा है। और ये देख सकते हो इसका नीचे इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इट फ्लावर हैव हीलिंग पावर, तो ये इसका पावर भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो अटैक सिर्फ कम है तो एसपी भी बहुत ही अच्छा है। इसका एवरेज फॉर्म
अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तब आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो और इसका जो हाइट होने वाला है वो ज़्यादा नहीं होगा, यानी सिर्फ एक फिट और समथिंग, इसका हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद हम सभी लोग देखने वाले हैं फायर टाइप पोकेमॉन, जिसका नाम है फलमर, और ये है फायर टाइप पोकेमॉन, स्टार्टर पोकेमॉन। और ये इसका जो टाइप है वो बहुत ही अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, बट मुझे फायर टाइप पोकेमॉन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है फायर टाइप पोकेमॉन के लिए, तो इसलिए इस डिज़ाइन के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फायर टाइप पोकेमॉन। बट इसका जो अटैक एंड डिफेंस क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हो एचपी 44, अटैक 68, यानी बहुत ही अच्छा खासा अटैक करेगा, डिफेंस 44, इसके बाद स्पेशल अटैक 50 एंड स्पेशल डिफेंस 44, उसके बाद स्पीड भी 69 कम से कम बहुत ही अच्छा खासा स्पीड है, और इसका स्पेशल डिफेंस एचपी एंड आदर जो बहुत ही बढ़िया है, यानी ये पोकेमॉन वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन होने वाला है। बट इसका जो शाइनी लुक है वो भी बहुत ही अच्छा है, इसका जो फ्लेम है यानी आग वो भी बहुत ही अच्छा कलर है, और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है पोकेमॉन। बट इसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे होगा वो तो अभी तक नहीं किसी को पता है, बट बहुत जल्दी इवोल्यूशन भी आने वाला है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल पर पोके फेमस पर। तो वीडियो के लिए वेट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है, एक फिट समथिंग है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा एंड वाटर टाइप पोकेमॉन की तरफ, ये है लास्ट स्टार्टर पोकेमॉन, इसका नाम है वलक, और ये जो पोकेमॉन है ये बहुत ही कूल है, बट मुझे इस पर भी डिसअपॉइंट है, क्योंकि देखो ये जो फॉक्स टाइप का पोकेमॉन है, यानी फॉक्स, ये फॉक्स टाइप का पोकेमॉन अगर जो क्या बोलते हैं नॉर्मल या फिर जो आग यानी फायर टाइप होता तो बहुत ही अच्छा होता, यानी फॉक्स टाइप पोकेमॉन फायर टाइप होता है तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे पोकेमॉन जो फॉक्स होता है, फॉक्स टाइप होता है वो फायर टाइप होता है। तो अब वाटर टाइप बहुत ही घटिया है, क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि अब कोई वाटर टाइप पोकेमॉन को तो टेल नहीं होगा, यानी जो टेल होता है ना वो टेल तो नहीं होता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब इसका जो पावर होगा वो होगा एचपी 50 एंड अटैक 49 एंड 50, डिफेंस 44, स्पेशल अटैक 66, स्पेशल डिफेंस 56 एंड स्पीड 55, इसका बहुत ही अच्छा खासा स्पीड है। बट इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी इसका डिज़ाइन मैच नहीं करता वाटर टाइप से, तो इसको बदलना ज़रूरी है, और इसका जो शाइनी फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर इसको बदल देता है, और इसका डिज़ाइन फिर से करना चाहिए, जो भी इसका डिज़ाइन करेगा तो उसको मैं बोलता हूँ कि इसको डिज़ाइन फिर से कर लो एंड बहुत ही अच्छा होगा। और हम लोग और भी बहुत सारे पोकेमॉन देखेंगे, हो सकता है वो पोकेमॉन भी हम सभी को गलर का जनरेशन 9 पर भी देखने के लिए मिल जाए, हम सभी आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, और इसका जो एवोल्यूशन फॉर्म है वो भी अभी तक नहीं आया है, तो डिज़ाइन दिखाएंगे। जो मैं बोल रहा था कि इसका हाइट भी बहुत ही कम है, और मैं जो बोल रहा था कि हम सभी आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, और उस डिज़ाइन के अंदर हो सकता है कि पोकेमॉन कंपनी को भी एक लॉन्च कर दे। तो इसके अंदर आपको कौन सी पसंद है, इस वाटर टाइप या वो ग्रास टाइप या वो लास्ट वाला फायर टाइप? अब इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊँ तीनों ही मुझे पसंद नहीं है, यानी इसका जो इवोल्यूशन है या जो क्वालिटी है, डिज़ाइन है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, बट उसका जो टाइप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि आप पकड़ लो यहाँ पर जो ये जो फायर टाइप है, इसका जो लुक है वो मुझे लगता है अगर इसको उस जो फायर फ्लेम है उस फ्लेम को हटा के इसको नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बना देते तो बहुत ही अच्छा होता, यानी इसका टाइप नॉर्मल होगा, बट फायर टाइप इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और बाकी दो पोकेमॉन वो भी एकदम सेम है, एक हो सकता है ग्राउंड टाइप और ये हो सकता है फायर टाइप और नॉर्मल टाइप, इस तरह का पोकेमॉन हो सकता है। जैसे कि जो पहला ग्रास टाइप पोकेमॉन है वो कॉन्फर्म ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये जो सीजन आएगा ये बहुत ही अच्छा होगा, एंड मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा, और उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है और डिज़ाइन को क्या
चेंज करना चाहिए कि नहीं। और आपको अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड के पास, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। हमारे चैनल को सपोर्ट करो एंड इस तरह का वीडियो के लिए ज़रूर वेट करो एंड ज़रूर आएगा। गुड बाय।